पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन। तो ज़्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तानी और इंडियन। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पीछे होटल है, होटल है एस के एफ स्काफ होटल। यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ और अब यहीं से निकल रही हूँ। सामने आप देख सकते हो कि पूरा डेजर्ट एरिया है, देखिए पूरा एकदम डेजर्ट है, और साथ साथ में बड़े बड़े होटल्स हैं, उनके बिल्डिंग्स हैं, और धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। और अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए। मेट्रो स्टेशन का नाम है अलजदाफ, यहाँ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है मेट्रो स्टेशन। तो अभी मेट्रो स्टेशन जाएंगे, वहाँ से बुर्जमान की मेट्रो पकड़ेंगे और फिर हम बुर्ज खलीफा एंजॉय करेंगे। वहाँ पे जाएंगे, क्या वहाँ का स्टेटस है, वहाँ पे बहुत सुंदर है बुर्ज खलीफा, मैंने सुना है। तो आज मैं अपनी आँखों से बुर्ज खलीफा देखूँगी और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि कैसा लगा मुझे बुर्ज खलीफा। आप लोग, अभी मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच गई हूँ, मेट्रो स्टेशन अलजदाब। देखिए अभी मैं इसके अंदर एंटर करूँ, मेरी मेट्रो आने वाली है अलजदाब से बुर्जमान पहुँचूँगी। मेट्रो में बैठ चुकी हूँ, मैं पहुँच गई हूँ बुर्जमान मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से मैं पकड़ूँगी ट्रेन बुर्ज खलीफा दुबई मॉल के लिए। क्राउड है ट्रेन में काफी ज्यादा। बुर्ज खलीफा दुबई मॉल, द नेक्स्ट स्टेशन इज बुर्ज खलीफा दुबई। बुर्ज खलीफा दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गई हूँ, अभी बाहर निकल के देखते हैं किधर से जाना है। मुझे कुछ आइडिया नहीं क्योंकि मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट होते ही है, जैसे आप बाहर निकलते हो, सामने दुबई मॉल का गेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम दुबई मॉल के अंदर एंटर हो रहे हैं। दुबई मॉल की एंट्री जो है वो थोड़ा आगे जाके है गेट उसका, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए यहाँ का सिस्टम। आगे हैं लोग चल रहे हैं, मैं भी साथ साथ में चले जा रही हूँ, और यहाँ पे सब ने ही मास्क पहना हुआ है। मास्क के बिना मैंने किसी को नहीं देखा है। मास्क यहाँ पे कंपल्सरी है, आई थिंक मास्क आप उतारते हो तो उसका फ़ाइन भी है, काफ़ी अच्छा खासा फ़ाइन है। तो अगर आप आते हो दुबई में तो मास्क का खास ध्यान रखें, मास्क आपने पहन के रखना है। यहाँ से शुरू होता है दुबई मॉल के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। बुर्ज खलीफा यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं अपना। यहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तानी और इंडियन से ज़्यादा दिखेंगे, और भी कंट्री से आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा लोग जो हैं वो श्रीलंकाई, पाकिस्तानी, इंडियन और इंडिया से, जैसे केरला से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा है दुबई मॉल और सुंदर भी है काफ़ी। ये बीच बीच में आपको जो वाइट ड्रेस में दिख रहे हैं, ये शायद दुबई के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं वो, उनका ड्रेस यही है।
यही ड्रेस पहनते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। आप लोग भी अगर एंजॉय कर रहे हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। वैसे तो मॉल सारे एक जैसे ही होते हैं। ये यहाँ पे परफ्यूम है, अप्रैल द दुबई मॉल। भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, मुझे ज़्यादा फिर मॉल बहुत बड़ा है, खाली खाली लग रहा है, कुछ खास लोग नहीं। या फिर मैं जल्दी आ गई हूँ। हैंडक्राफ्ट चीज़ें बड़ा लग रहा है। ये क्यूब से कुछ पड़े हुए हैं, पानी बर्फ कुछ टाइप लग रहा है मुझे। मॉल के अंदर घूमने के लिए ऐसी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, मॉल काफ़ी बड़ा है तो आप इस पे ऊपर भी राइड कर सकते हो, इसके साथ भी घूम सकते हो। मैं चोरी चोरी शूटिंग कर रही हूँ। बोल रहे हैं कि आप सिर्फ फ़ोटो क्लिक्स कर सकते हो, वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते। अगर आपने वीडियो शूटिंग करना तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। दुबई मॉल है, काफ़ी फेमस है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग आते हैं दुबई में शॉपिंग करने के लिए। तो मुझे अभी कैमरा यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, मैं और शूटिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बीच बीच में जो दुकान के सामने जो गार्ड खड़े होते हैं वो मना कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। बस अभी मैंने घूम लिया है, अभी मैं बाहर निकल रही हूँ। ये एग्ज़िट है, इधर से एग्ज़िट हो रही हूँ मैं। मॉल से मैं बाहर आ गई हूँ, तो अभी मैंने दुबई मॉल तो घूम लिया है, अभी मैं जा रही हूँ बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जाने के लिए मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ, रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। अभी देखो सामने मुझे बुर्ज खलीफा दिख रहा है, बैक साइड है इसकी, आगे मैं फ्रंट, इसकी फ्रंट में जाना है मुझे। अनजान सिटी, रास्ता ढूँढना भी बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी किसी ने बताया कि दुबई मॉल के अंदर से ही जाना पड़ेगा आपको। स्पाइडर, फाइनली मुझे रास्ता मिल गया। यहाँ से हो गया और सामने फिर बुर्ज खलीफा देख सकते हो। पहुँच गई हूँ मैं बुर्ज खलीफा देखने के लिए। धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे, आप मास्क हटा सकते हो, कुछ लोगों ने नहीं पहने हुए मास्क। इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, सभी ऊँची ऊँची हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। कितना सुंदर है, कितना ऊँचा है, कितना बड़ा है। आई इन्जॉय अलॉट, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। भीड़ भी काफ़ी है और मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक्स करवाई हैं। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे बुर्ज खलीफा को ढूंढने के लिए। पहले मैं बाहर बाहर घूम रही थी, फिर किसी ने बोला कि आप दुबई मॉल के अंदर ही जाइए जाइए और वहाँ से ही है रास्ता है। फिर मैं दुबई मॉल के फिर से मैंने दुबई मॉल में एंटर किया,
और फिर मुझे पूछ के फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। मेरी तो गर्दन ही अकड़ गई बुर्ज खलीफा नु देख दे देख दे। अभी मैं मॉल के फिर से अंदर जा रही हूँ, वहाँ से इसकी एंट्री टिकट लूँगी बुर्ज खलीफा के अंदर एंटर होने के लिए और ऊपर जाने के लिए। ऊपर का व्यू पूरी सिटी दिखती है, दुबई सिटी, तो यहाँ से शायद टिकट मिलती है। यहाँ से मैं टिकट लूँगी, अंदर जाना पड़ेगा। से काउंटर है इसका, अभी मुझे नहीं पता उसका क्या प्राइस है, क्या रेट है, टिकट खरीदने के बाद ही मैं आपको बता सकूँगी। यहाँ पे आया जब वो टिकट वगैरह सिक्योरिटी चेक होता है तो वहाँ पे उन्होंने मेरा कैमरा वगैरह बंद करवा दिया। तो अभी यहाँ पे देखो बुर्ज खलीफा का एक डेमो है, चेंजेस आते हैं। शाम को कह रहे कि प्राइस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये मेरी टिकट जो मुझे 260 दिरहम की पड़ी है। मैं लिफ्ट में आ गई हूँ, लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। ट्वेंटी फोर्थ फ्लोर है ये। यहाँ से ऊपर से नज़ारा आप देख सकते हो दुबई का, मैं आपको दिखाती हूँ। हम शॉपिंग कर सकते, लेकिन चीज़ें बहुत महंगी हैं यहाँ पे। मैंने तो कुछ भी शॉपिंग नहीं किया। अगर आप लोगों का मन है, अगर आप लोग आते हो तो आप कर सकते हो शॉपिंग। बुर्ज खलीफा इवनिंग व्यू, सनसेट हो रहा है देखिए। ये देखिए बुर्ज खलीफा मॉडल गोल्डन गोल्डन कलर में सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर छोटा सा शॉपिंग सेक्शन है, अगर आप शॉपिंग करने के इच्छुक हो तो शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे। शाम का नज़ारा देखिए आप, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा और बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंग। पूरी लाइटनिंग ऑन कर दी है इन्होंने, लाइट शो होगा अभी। ये दुबई मॉल है सामने। शाम को इवनिंग टाइम को ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लग रहा है। दिन में तो धूप इतनी तेज से देखा ही नहीं जाता अच्छे से। ये देखिए बुर्ज खलीफा पूरा, देखिए कितने लोग हैं। पूरी लाइट्स जो है वो पानी में भी दिख रही है। Thank you.
तो शो जो चल रहा था ख़त्म हो गया, एक बार बंद कर दिया उन्होंने, फिर से शायद स्टार्ट करेंगे। बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया, और दिन में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, शाम को तो इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दिन में गर्मी भी ज़्यादा होती है और इस टाइम गर्मी भी नहीं है, और लाइटनिंग देखिए आप सारी ऑन हो चुकी हैं, और उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक लगाया, और म्यूज़िक के साथ वो जब फाउंटेन चलते थे तो इतना मज़ा आता था। अभी भी देखिए इसमें वाओ, सो कलरफुल। गुड क्लिफा लाइटनिंग शो इवनिंग टाइम्स।